फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास किचन। टुडे आई मेक ए रेसिपी ऑफ पनीर बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, आज मैं पनीर और आलू का बटरफ्लाई बनाऊंगी। तो इसके लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये 200 ग्राम यहाँ पर पनीर लिया है। ये मैंने एक चम्मच मैदा लिया है और दो चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने आलू लिए हैं, उसे मैंने इस शेप में कट किया है, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल पतले कट किए हैं। एक छोटा चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। अगर आप जो लहसुन नहीं खाना चाहते तो आप सिर्फ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और एक छोटा चम्मच मैंने जो सोया सॉस लिया है, इसकी सिर्फ हमें 3 से 4 बूंदे ही रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद एक छोटा चम्मच मैंने जो रेड चिली जो है सॉस लिया है, और एक छोटा हाफ चम्मच जो है वो मैंने विनेगर लिया है। और मसालों में फ्रेंड्स, मैंने देगी मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच ली है, काली मिर्च पाउडर लिया है, ये मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला लिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर जो जीरा पाउडर लिया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पनीर है हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये पनीर लिया है, मैं इसे इस शेप में, देखिए, पहले इसे इस तरह से, और फिर हम इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। ये देखिए, और अब इसे हाफ कर देंगे। इस तरह से हमने इसे कट करना है। फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने इसे इन शेप में कट कर लिया है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ और इसके अंदर ये पनीर की क्यूब्स डाल दूंगी। इसके साथ साथ इसके अंदर मैं ये एक चम्मच जो है मैदा डाल दूंगी इसके अंदर, और एक चम्मच ही कॉर्नफ्लोर भी डाल दूंगी। बाकी का कॉर्नफ्लोर फ्रेंड्स इसका आगे यूज होगा। और इसके साथ इसके अंदर जो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी, और 3 से 4 बूंदे मैं ये जो है सोया सॉस की डाल दूंगी। और इसके साथ साथ इसके अंदर रेड चिली जो हमने टोमेटो केचप लिया था वो डाल दूंगी, और आधी छोटी चम्मच विनेगर लिया था उसे भी डाल देंगे। और मसालों में जो हम देगी मिर्च है वो कम तीखी होती है, इसलिए वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा हमने जो जीरा पाउडर लिया था, जीरे पाउडर से फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए वो भी डाल देंगे। और जो काली मिर्च, अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद है तो हम उसके हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। चाट मसाला और नमक मैं इसमें आधी छोटी चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर आपको आप इसे कम या ज़्यादा इसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने इसकी स्पून से कोटिंग कर दी है। अगर आप चाहें तो इसकी कोटिंग इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पनीर के क्यूब्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसे हाथ से भी इस तरह से फैला सकते हैं। मैंने अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पहले इसे करने से पहले। तो ये देखिए, इस तरह से भी हम इसकी पूरी कोटिंग कर सकते हैं, ताकि ये पूरी तरह से, क्योंकि अगर हम किसी स्पैचुला से या फिर स्पून से करेंगे तो इसकी कोटिंग कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स इसे हम हैंड से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अभी इसके ऊपर हमारी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ढककर रख देंगे, और अब हम एक जो चम्मच कॉर्नफ्लोर जो हमारा रह गया था उसे हम लेंगे, उसके अंदर जो है पानी को मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मिक्स करना है और इसका एक घोल तैयार कर देना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें आधा जो कटोरी है वो पानी की डाल दिया है, और इस तरह का जो घोल हमने तैयार कर दिया है। अब जो हमने ये आलू लिए थे फ्रेंड्स, इसे हम इसके अंदर जो है डिप कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने ये टूथपिक लिए हैं, ये टूथपिक से थोड़े से बड़े हैं, इसे हम पनीर टिक्का में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसे जो है यूज़ करने से पहले मैंने एक गिलास में पानी लिया है, और इसे हम अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे।
इसका रीजन ये है फ्रेंड्स इसे भिगो के रखने का कि जब हम इसे इसका यूज करें तो ये जले नहीं। फ्रेंड्स अब मैंने पैन में ऑयल लिया है, मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इस तेल को गर्म होने देंगे। अब हम फ्रेंड्स देखिए अभी हमारे जो आलू है हम इसे एक बार अच्छी तरह से निकाल देंगे इस प्लेट पर। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसके लिए ज्यादा मोटे आलू नहीं लेने हैं, अगर हम मोटे लेंगे तो इसे ये तैयार नहीं हो पाएगा। देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स अब हम एक पनीर का जो है क्यूब लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हम जो ये आलू है इसे लेंगे, ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जो ये टूथपिक है वो इसे इसके बीच में लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके इसे बीच में लगा देंगे और इसे हम जो डीप फ्राई के लिए रेडी कर देंगे। सारे के सारे हम इसी तरह से ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये सारे के सारे जो हैं पनीर इन्हें रेडी कर दिया है, देख सकते हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसके लिए हम ये थोड़ा सा पनीर का जो है ये पीस डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा जो ऑयल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर एक एक करके सारे पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए आगे अब हमने इन्हें अलट पलट करके इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने इसे बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना। अभी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं आप देख सकते हैं, और अब हम इसे पेपर टॉवल पर बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा पनीर बटरफ्लाई ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो थोड़ी सी धनिया पत्ती इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इसे हल्का सा डेकोरेट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो टमाटो केचप रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा पनीर बटरफ्लाई बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।